और अब जोधपुर से बड़ी खबर, जहां पुलिस और रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध रिफिलिंग पर गोदाम पर छापा मारा गया। दिवाली को मद्देनजर रखते हुए रसद विभाग और पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। भारी मात्रा में रिफिलिंग की खेप पुलिस ने पकड़ी। कमर्शियल टंकियों में आरोपी रिफिलिंग कर रहा था। फिलहाल मौके पर पुलिस और डीएसओ विभाग के कर्मचारी मौजूद। और अब सिरोही से बड़ी खबर, जहां नशे के काले कारोबार करने वाले तस्कर के घर पुलिस की दबिश। डीएसटी टीम और कोतवाली थाना पुलिस ने संयुक्त दबिश दी। करीब दो घंटे तक पुलिस ने तस्कर के घर तलाशी ली। तलाशी के दौरान 3 ग्राम स्मैक ड्रग पुलिस ने जब्त किया। पुलिस ने आरोपी तस्कर वसीम को हिरासत में लिया। मीडिया कर्मियों को देखकर पुलिस ने गैरेज के गेट बंद। टोंक जिले के देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी केसी मीणा के नामांकन से पहले सांसद हरीश मीणा ने खुद पर लग रहे टिकट बेचने के आरोपों पर कहा कि राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। वहीं पूर्व सांसद नमो नारायण मीणा के आरोपों पर हरीश मीणा ने कहा, सब नाराज होते हैं लेकिन बाद में सब मान भी जाते हैं। हरीश मीणा ने एक बार फिर से देवली उनियारा के उपचुनाव को लेकर कहा कि जीत एक बार फिर से हमारी ही होगी। मैं मानता हूँ कांग्रेस की, हमारा बीजेपी ने नामांकन कर दिया। कल आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे, मैं कैंडिडेट का वो करा के गए। आज हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रार्थी का नामांकन है, इसमें मैं जा रहा हूँ। हमारे कांग्रेस के प्रदेश स्तर के सब शीर्ष नेता उसमें आएंगे। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अगर बेचा है तो संगठन से पूछें, टिकट पार्टी संगठन देता है, पर टिकट इनसे मिला है तो संगठन से मिलता है, AICC से मिलता है। बहुत लोगों की राय जाती है, उसका मुझे पता नहीं मैंने किसका, क्योंकि ये पार्टी का जो तरीका है, पर ये हर पार्टी में होता है, हर पार्टी में। कल CM साहब आए थे यहाँ, भजन लाल जी, बैसला नहीं गया मंच पर, वो तो कैंडिडेट था पिछली बार, प्रभुलाल जी कुछ बोले नहीं खुल के। हर पार्टी में टिकट की प्रक्रिया है, 10 आदमी मांगते हैं टिकट, एक होता है तो कुछ बोलेंगे। नीमका थाना जिले के श्रीमाधोपुर के राजकीय अस्पताल में CMHO डॉक्टर विनय गहलोत का अचानक आगमन हुआ। अस्पताल कर्मिकों में हड़कंप मच गया। अस्पताल में व्याप्त समस्याओं को देखकर डॉक्टर गहलोत ने कार्मिकों को फटकार लगाई और सफाई व्यवस्था को भी संतोषजनक नहीं पाया। इसके अलावा काफी संख्या में कार्मिक अनुपस्थित मिले और चूहों द्वारा शव को कुतरने के मामले में भी उन्होंने संज्ञान लिया। डॉक्टर गहलोत ने डी फ्रीज और मोर्चरी की व्यवस्था करवाने का भी आश्वासन दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार डेंटल भर्ती 2024 के अंतिम परिणाम पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें 31 मई 2024 को RUHS ने मेडिकल ऑफिसर डेंटल के पदों के लिए भर्ती निकाली थी और अब 18 जुलाई 2024 को लिखित परीक्षा भी आयोजित करवाई गई थी तब, लेकिन अभ्यर्थियों की ओर से प्रश्नों को लेकर आपत्ति दर्ज की गई और आपत्तियों का निस्तारण भर्ती के संशोधित आंसर की जारी नहीं की और ऐसे में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने 5 नवंबर तक अंतरिम रोक लगा दी। जानकारी के अनुसार भारतीय दंत शिक्षा परिषद से अनुमोदित किताबों में जो उत्तर हैं वहीं प्रार्थियों ने दिए हैं, लेकिन RUHS ने जो किताब पेश की है वो भारत में राजस्थान में नहीं चलती है और ना ही दंत शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है। तो विवादित प्रश्न उत्तर मामले में रोक लगाई गई। जस्टिस महेंद्र गोयल ने आदेश जारी किए। खबर अलवर के खेड़ली से है, जहां कस्बे के विद्यालय में NCC भर्ती प्रक्रिया आयोजित हुई, जिसमें प्रथम वर्ष की NCC भर्ती प्रक्रिया 35 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, जिसमें शारीरिक दक्षता के आधार पर 25 विद्यार्थियों का चयन हुआ। अधिकारियों की ओर से चयनित छात्रों को NCC के नियम और उसके उद्देश्यों के बारे में अवगत करवाया।
बांसवाड़ा के खांडू कॉलोनी क्षेत्र में दिवाली की तैयारियों के बीच एक हादसे में 9 वर्षीय बच्चा पटाखा फोड़ते समय झुलस गया। जानकारी के अनुसार वंश पांचाल नाम का बच्चा अपने घर के अंदर परिवार के साथ बैठा था, इसी दौरान उसके बड़े भाई ने पटाखा फोड़ दिया, जिससे वंश के हाथ, पैर और पेट पर जलने के निशान आए। इस हादसे में बच्चे को बचाने के प्रयास में पिता को भी मामूली चोट आई, वो भी झुलस गए। वंश के पिता ने बताया कि वो घर के अंदर बैठे थे जब बड़े बेटे ने पटाखा फोड़ा और छोटे बेटे वंश को चोट लगी। डॉक्टर्स ने तुरंत बच्चे का प्राथमिक उपचार कर उसे बर्न वार्ड में भर्ती करवाया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है और डॉक्टर्स की देखरेख में उसे रखा गया है। अरे घर पर खाना खाया थे, वंश पंचाल, मेरा नाम लाभचंद पंचाल है, खांडू कॉलोनी से हम, तो मैं खाना खाया था, ये मेरे पास बैठा था, ने मेरी मिसेज अचानक चूल्हा चालू कर दी थी तो बड़े वाला आगे पटाखा लगा फेंक दिया उसने, इससे भबक करके आग भबक उठी। अरे घर पर खाना, मामला भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर से है, जहां ट्रैक्टर चालक की लापरवाही के चलते एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें, युवक पैदल अपने घर जा रहा था, तभी चारे से भरे हुए ट्रैक्टर ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की बयानबाजी और सादगीपूर्ण व्यवहार हमेशा चर्चा में बना रहा है। शुक्रवार को मंत्री दिलावर रामगंज मंडी के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने खेत पर काम करने जा रही महिलाओं को रुकवाया, खेत के कामों की जानकारी ली, साथ ही महिलाओं से कहा रोटी तो खिला दो। और ऐसे में महिलाओं ने सर पर अपनी टोकरी उतारी और मंत्री को अपने टिफिन देकर उनको खाना खिलाया। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने रामगंज मंडी क्षेत्र की 1,60,00,000 रुपए की लागत से 2 बाईपास सड़कों का लोकार्पण किया। मंत्री दिलावर ने सड़कों के लोकार्पण के दौरान दोनों साइड पर सड़क खुरदरी होने पर नाराजगी जताई और 10 दिन में सड़कों की साइडों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का रामगंज मंडी दौरा, और इस दौरान खेत पर काम करने जा रही महिलाओं को रोककर उन्होंने उनके कामकाज की जानकारी उनसे ली और कहा कि भूख लगी है, रोटी तो खिलाओ, और ऐसे में महिलाओं ने रुककर उन्हें खाना खिलाया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का रामगंज मंडी दौरा, खबर भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर से है, जहां ट्रैक्टर चालक की लापरवाही के चलते एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें, युवक पैदल अपने घर जा रहा था, तभी चारे से भरे हुए ट्रैक्टर ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।
जाजपुर में जलझूलने एकादशी पर बैवांड पर हुई पत्थरबाजी की घटना के 45 दिन बाद कार्रवाई नहीं होने से नाराज समग्र हिंदू समाज ने उपखंड अधिकारी हरिकेश मीणा को ज्ञापन सौंपा। समग्र हिंदू समाज जाजपुर ने ज्ञापन में बताया कि धार्मिक त्यौहार जलझूलने एकादशी के पर्व पर मुस्लिम समाज जाजपुर द्वारा षड्यंत्र पूर्वक पीताम्बर श्याम मंदिर के बैवांड और धार्मिक यात्रा में शामिल लोगों पर हमला करने और जान से मारने की नीयत से जामा मस्जिद से नुकीले पत्थरों से हमला करने के अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने और गिरफ्तार करने, साथ ही धर्म स्थल पर अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण को हटवाने, साथ ही सीमांकन करने सहित 14 सूत्रीय मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा गया। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में सिलेंडर से भरी गाड़ी पलट गई। दरअसल पिकअप के आगे बाइक चल रही थी, इस दौरान बाइक सवार युवक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिसके चलते पीछे चल रही पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसा रूबास से सामोली की ओर आने वाली रोड पर हुआ, तो वहीं हादसे में गनीमत रही, कोई जनहानि नहीं हुई। खबर भिवाड़ी से, जहां एक 88 वर्षीय बुजुर्ग के साथ साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट कर 78 लाख रुपए ठग लिए। आपको बता दें, साइबर अपराधियों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया, जिसके बाद साइबर अपराधी ने बुजुर्ग को गिरफ्तारी से बचाने के लिए 50 लाख रुपए की मांग की। पीड़ित ने डर और भ्रम में फंसकर 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद ठग ने दो और मौकों पर बुजुर्ग से 15 लाख और 13 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। कुल 78 लाख रुपए देने के बाद साइबर ठग परेशान करने लगा, तो रविंद्र ने अपने बेटे को पूरा मामला बताया। फिलहाल पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट का मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रविंद्र कुमार सिंबल है, जो 28 साल की उम्र होगी, अपने आशियाना उत्सव में निवास करते हैं। इन्होंने दर्ज कराया है कि सर मेरे पास पुलिस अधिकारी बनकर के वापस फोन आया और उसने बताया कि आपका मनी लोडिंग में आपका वारंट जारी हुआ है और आप उनको बातें करके उससे पहले 50 लाख रुपए सिर्फ टुकड़ों में वो डाला करके टोटल 25 लाख रुपये की वंडर रही। 18 तारीख से 28 बीकानेर के खाजूवाला से खबर, जहां आईजीएनपी नहर में अज्ञात महिला का शव मिला। छतरगढ़ थाना क्षेत्र के सतासर के पास नहर में शव मिला। नहर के किनारे अटकी मिली पुलिस को डेड बॉडी, एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को मौके पर बुलाया गया। खाजूवाला डीवाईएसपी अमरजीत चावला टीम के साथ मौके पर पहुंचे। छतरगढ़ थाना क्षेत्र के आदि 600 के पास की घटना। यो भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण और 17 आरोपियों को लेकर कोर्ट पहुंची एसओजी। आज दोबारा आरोपियों की कोर्ट में पेशी। यो भर्ती परीक्षा का प्रकरण, 17 आरोपियों को एसओजी कोर्ट लेकर पहुंची, जिनमें 12 अभ्यर्थी और 5 उनके सहयोगी शामिल हैं। और इसी बीच आरपीएससी ने बड़ा फैसला भी लिया। एसओजी की रिपोर्ट के बाद भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्व अधिकारी आरओ ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी यानी ईओ ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा 2022 को रद्द कर दिया है और अब एग्जाम दोबारा करवाया जाएगा। एसओजी की ओर से दी गई रिपोर्ट पर आरपीएससी ने माना कि भर्ती परीक्षा में नकल हुई थी। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल भटनागर फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, भर्ती परीक्षा निरस्त हो गई है और अब कोर्ट में भी इन तमाम जो आरोपी हैं इन्हें पेश किया गया है। देखिए, आपको बता दें कि कोर्ट में जो है अभी इनको पेश किया जा रहा है और जिस तरह से इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक गोपनीय सूचना आरपीएससी द्वारा दी गई थी, उसके उसके तहत जो है एसओजी ने इस पूरे मामले की जांच की, क्योंकि इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है तुलसाराम, उसको भी आज कोर्ट लेके जो है एसओजी पहुंची है। 12 अभ्यर्थी
पांच जो है इसमें जो इस गैंग में शामिल थे वो लोग और दो अन्य आरोपियों को लेकर जो है आज कोर्ट में जो है एसओजी पहुंची है। अब जिस तरह से इनसे खुलासे हुए और क्योंकि अभ्यर्थियों से जिस तरह से पूछताछ हुई और तुलसाराम ने जिस तरह के खुलासे किए, क्योंकि तुलसाराम पहले से ही जो है एसओजी की रडार पर था और एसओजी की गिरफ्त में था, तो उसके इस भर्ती को लेकर जो है खुलासे हुए और एक जो गोपनीय सूचना है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई थी, उसके तहत जो है ये पूरी कार्रवाई की गई थी, क्योंकि आज इनकी 5 दिन की रिमांड जो है पूरी हो रही थी, तो उसी के तहत आज एसओजी इनको कोर्ट में पेश करिए मनीषा। इसके अलावा कुणाल, क्योंकि 111 पदों के लिए आरओईओ भर्ती परीक्षा में काफी सारे कैंडिडेट्स शामिल हुए थे, तो जैसे ही पूरा फैसला आया, क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं और लगातार कवरेज भी करते हैं, तो उन अभ्यर्थियों का या फिर जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनका इस मामले को लेकर कोई विरोध या फिर सामने आया कुछ? क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में अभी तक जो है ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी, ये सबसे बड़ी बात है। और क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया को आप हम देखें, शुरुआत से अगर हम देखें तो सवालों के घेरे में ये भर्ती प्रक्रिया रही इसमें, क्योंकि उस समय जब ये भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी तो उस समय जो है तुलसाराम का नाम सामने आया कि उसने ब्लूटूथ के माध्यम से जो है जो नकल करवाई है। इसके बाद जो एसओजी ने इस पूरे मामले में खुलासा एसओजी ने किया कि जो पेपर जो है नकल माफियाओं के पास पेपर पहुंच गया था और फिर ब्लूटूथ के माध्यम से कई अभ्यर्थियों को जो है इसने जो है नकल करवाई, नकल करवाने के बाद जो तथ्य एसओजी के पास थे उसके तहत एसओजी ने एक टीम गठित की और जांच की और जांच में चीज सामने आई। उसके बाद इस मामले में बड़े स्तर पर छापेमारी करने के लिए 28 टीमों ने 30 जगह पर छापेमारी की, उसमें जो है आप देख सकते हैं कई लोगों को गिरफ्तार किया, क्योंकि तुलसाराम काले इस पूरी भर्ती का जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है आज कोर्ट एसओजी उसको भी लेकर पहुंची है। और अब देखना होगा कि यहाँ पर इनकी रिमांड भी बढ़ाई जाती है कि या इन्हें जुडिशियल कस्टडी पर भेजा जाता है। चलिए, शुक्रिया कुणाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो ईओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण और आज दोबारा आरोपियों की कोर्ट में पेशी।